जिले की कोलारस तहसील अंतर्गत आने वाले मितो जी खुर्द के शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय में पद शिक्षक का ट्रांसफर रुकवाने की गुहार लगाने बच्चे और ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने हमारी मांग पूरी करो के नारे भी लगाए। इसके साथ ही शिक्षक का ट्रांसफर रुकवाने की मांग भी की है। जानकारी के अनुसार ग्राम मितोजी खुर्दे तहसील कोलारस में संचालित शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक श्रवण कुमार बाथम पदस्थ है। बच्चों सहित ग्रामीणों ने बताया कि उनका व्यवहार और कार्य उत्तम है, इसके चलते छात्र छात्राओं की पढ़ाई में काफी वृद्धि हो रही है, जिसके चलते सभी ग्रामीण और छात्र छात्राएं उनसे संतुष्ट है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि माध्यमिक शिक्षक श्रवण कुमार बाथम का नाम अतिशेष शिक्षकों की सूची में आने की वजह से उनका स्थानांतरण कहीं और हो गया है। इस वजह से बहुत दुखी है। वह शिक्षक के ट्रांसफर रुकवाने की मांग को लेकर आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांग पूरी करने की इच्छा जाहिर की। साथ ही बच्चों ने हमारी मांगे पूरा करो के नारे भी यहाँ लगाए। क्या नाम है आपका? रोशनी रावत। कौन सी क्लास की हो? 8। कौन सा स्कूल है आपका? शासकीय माध्यमिक विद्यालय में तोजी कर। क्या यहाँ क्या कलेक्टर साहब के पास आए हो आप? क्या समस्या लेकर आए थे? हम ये चाहते हैं कि हमारे सरवन सर हैं, उनको ट्रांसफर से रोका जाए। क्यों रोका जाए? क्योंकि वो हमें अच्छे पढ़ाते हैं। कहाँ कर दिया उनका ट्रांसफर बेटा? हाँ, तो अगर उनका ट्रांसफर हो जाएगा तो आपकी पढ़ाई को क्या क्या दिक्कत आएगी फिर? आपको दिक्कत आएगी? हमारी पढ़ाई को नुकसान हो सकता है। अच्छा, इसलिए? अच्छा पढ़ा देंगे सर। हाँ। आपके पिताजी का नाम क्या है? नरेश रावत। बेटी नहीं बुलाओ। अब आ रहा है बेटा। आपका क्या नाम है? राज रावत। कहाँ से आए हो आप? मितोजी खुर्द। क्यों आए हो? हमारे सरवन सर का ट्रांसफर रुकवाने। तो क्या क्यों रुकवाना चाहते हो आप? हमको क्योंकि वो बहुत अच्छी पढ़ाते हैं और टाइम टू टाइम स्कूल आते हैं। अच्छा, कौन सा स्कूल है आपका? शासकीय माध्यमिक विद्यालय मितोजी खुर्द। कहाँ पढ़ता है ये? मितोजी खुर्द। नहीं, कोलारस में आता है? कहीं में आता है? कोलारस। तो आप जितने भी बच्चे आए हैं, स्टूडेंट आए हो, तो उनका ट्रांसफर रुकवाने के लिए आए हो? हाँ। कहाँ रहते हो आप? कहाँ पढ़ता है? घरवारे के पास। यहाँ पे आप बच्चे आए हैं, यहाँ पे बच्चों के साथ में आप आए हो, तो क्या समस्या लेकर आते हैं आप यहाँ पर? रुकवाने के लिए। कौन से सर का? सरवन का। क्यों रुकवाना चाहते हैं? वो अच्छी पढ़ाई करते हैं, वो बच्चों से सही देखभाल करते हैं, वो बच्चे उसी को चाहते हैं, देखभाल सही करते हैं। तो ये बात जो आप बता रहे हो ट्रांसफर रुकवाने की, तो आप बोल रहे हो कि बच्चे भी बोल रहे हैं इस बात? बच्चे भी बोल रहे हैं सर। अच्छा, बच्चे चाहते हैं कि उनका ट्रांसफर रुके? हाँ रुके। कौन सा स्कूल है? तो आपके बच्चे उसी में पढ़ते हैं? क्या नाम है सर का? सरपंच।